हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सब कैसे हो है ये कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे आशा है कि आप लोग सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज बहुत टाइम के बाद एक अलग ब्लॉग लाई हूँ। एक्चुअली मेरा एग्जाम चल रहा था, जैसे कि आप लोग पहले ब्लॉग में मेरे देखे, इसे जस्ट पहले वाला में देख सकते, नहीं देखे होंगे जरूर विजिट करें एग्जाम वाला ब्लॉग। एग्जाम देने गई थी मैं और बहुत टाइम के बाद डाली थी। इतना दिन से मैं क्यों नहीं डाल रही थी, तो मैं रीज़न बताई हूँ और बता देती हूँ। एक्चुअली मेरा बैलेंस नहीं था फ़ोन में और एग्ज़ाम चल रहा था, वो तो बात था ही, लेकिन साथ में मेरा एक्चुअली बैलेंस नहीं था, तो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी वीडियो उसी के कारण, और इसलिए नहीं बना पा रही थी एग्ज़ाम के कारण। तो अभी जब मेरा बैलेंस चला गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए रेगुलर बेसिक पे वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ, इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो गैस आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। और आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। सो एक्चुअली मेरा इंग्लिश ऑनर्स है, तो सेम 5th का मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैं दिखाऊंगी इंग्लिश ऑनर्स में क्या क्या पढ़ रही हूँ। एक्चुअली भी मेरा DSE पेपर 1 ग्रुप 1 और 1 का एग्ज़ाम है, नेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर, तो मैं उसी में एक्चुअली पोएम सब पढ़ रही हूँ। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या अभी तक मैंने कम्प्लीट किया है। सो देखिए, सो गाइज ये है मेरा सिलेबस के अंदर का चैप्टर, जिसमें है द क्लॉड, पीबी साले द्वारा ये लिखा गया था, और इसके बारे में कुछ शॉर्ट्स नोट्स बनाई हूँ, और ये पोएम लिखी थी कुछ कुछ, इसमें 6 स्टैंजेस थे। और उसके बाद आया था हमारा दूसरा पोएम द टू डैफोडिल्स, ठीक है, तो टू डैफोडिल्स और द डैफोडिल्स भी है, लेकिन ये है टू डैफोडिल्स जो कि रॉबर्ट हैरिक के द्वारा लिखा गया था। और ये देखिए रॉबर्ट हैरिक का एक शॉर्ट नोट बायोग्राफी लिखा हुआ है, और ये है टू डैफोडिल्स का नोट्स मीन्स पोएम, और ये है टू डैफोडिल्स के बारे में कुछ और शॉर्ट नोट्स। और ये देखिए अब नेक्स्ट पोएम मेरा है द गार्डन, द गार्डन जो कि एंड्रयू मार्वेल द्वारा लिखा गया है पोएम। सो ये है कुछ शॉर्ट्स नोट्स, ये एक्चुअली देखिए 71 लाइन्स लाइन पोएम डिवाइडेड इनटू 9 ऑक्टेव। देखिए ये है इसका थीम है नेचर, नेचर ब्यूटी एंड पोएटिक इमेजिनेशन। सो और इसमें जो पोएट है एंड्रयू मार्वेल, सो बताया है कि ये जो गार्डन है, तो एक गार्डन के बारे में बताया गया है, तो वो गार्डन जो है सो ईडन गार्डन है। देखिए ये शॉर्ट नोट्स है बायोग्राफी ऑफ एंड्रयू मार्वेल के। और बाकी एक और मेरा है, दिखाती हूँ मैं सिलेबस भी, ये देखिए ये मेरा DSE पेपर का है, ये देखिए नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश। मैं यूनिट 1st अभी तक कंप्लीट नहीं की हूँ, लेकिन यूनिट 2nd का ये जो देख सकते हैं टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हैरिक, द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वेल, टू क्लॉड बाय पीबी साले, और भी है अर्ड टू अटम बाय किड्स। तो मैं ये अभी अर्ड टू अटम अभी बस सुनी हूँ, और अभी इसको पढ़ना है मुझे, और बाकी ये 3 पढ़ ली हूँ लगभग, अच्छे से कम्प्लीट नहीं हुआ है पूरा अच्छे से क्लियरली, बट हो चुका है थोड़ा थोड़ा, बाकी मैं कर लूँगी। परसों मेरा एग्ज़ाम है 15 को। तो ये है मेरा DSE पेपर 1 का सिलेबस, और ये देख सकते हैं DSE पेपर 2 का सिलेबस है मेरा, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का यूनिट 1st में सिर्फ जितना भी पोएम्स है, डैफोडिल्स, द सॉलिटरी एपियर रिपायर, द सॉलिटरी रिपायर, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये सब है विलियम वर्ड्स का पोएम। और एक सबसे बड़ा है ST कॉलराइज का द रैम ऑफ द एंशंट मैरिनर, और सेकंड यूनिट में है मेरा पिलग्रिम एट टिंकर ग्रीक जो एनी डिलार्ड द्वारा लिखा गया है। सो गाइस आज का मेरा इतना ही, बाकी और दिखाऊंगी मैं जो मैं सोची कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, तो स्टडी के बारे में बना ली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो आज का मेरा स्टडी वाला, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आज मैं पहली बार स्टडी का वीडियो लाई हूँ, तो आप लोग कमेंट करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें,
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग मेरे वीडियो तक विजिट कर सके। तो गैस आप लोग बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। बहुत टाइम के बाद मैं एक्चुअली ब्लॉग पे आई हूँ, तो पता नहीं, मैं सोच रही थी क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, बस आप लोग का सपोर्ट आया तो अच्छा ही होगा। सो गैस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टाटा।